सो व्हाट्स अप एवरीवन, इट्स योर टेक्निकल धुरिया। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आखिर आप कैसे इस तरीके से वॉकिंग करा सकते हो। भाई, इसके ऊपर कमेंट बहुत ज्यादा ही आ चुके हैं, काफी लोगों के लिए मैंने कई ट्यूटोरियल प्रोवाइड करा दिए, बट कह रहे हैं कि स्पेशली जो है वॉकिंग ट्यूटोरियल लेकर आओ। आप देखो, इसे मैंने मूवमेंट कराया हुआ है, आखिर ये मैं मूवमेंट देता कैसे हूँ, काफी लोगों को नहीं समझ आता है। तो ये वीडियो सिर्फ होने वाली है मूवमेंट ट्यूटोरियल के ऊपर। बाकी की वीडियोस जो थी मैंने पहले बना दिए कि कैसे आप इस तरह फ्रूट्स को हाइड कर सकते हो, यानी कि खा सकते हो। बाकी आने वाली जो वीडियोस है बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो चैनल पे बने रहना, बहुत कुछ सीखने वाले हो गाइस, सच बोलो बहुत कुछ सीखोगे आप लोग। तो देखो, इसमें हम पूरी वीडियो में यही डिस्कस करेंगे, आखिर मूवमेंट कैसे होता है, आप कैसे करा सकते हो, क्या मिस्टेक करते हो जिसके वजह से आप प्रॉपर मूवमेंट नहीं दे पाते हो, तो कैमरा एंगल के बाद आपका जो होता है वीडियो रेंडरिंग प्रोसेस, सो उसमें जाके आपकी वीडियोस बनती है। सो मैंने आपको अभी बता दिया, सो रेंडर कर लिया करो। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताता हूँ कि आखिर ये सब कैसे होता है। तो भाई लोग देखो, मैंने पहले से जो है बोन वगैरह ऐड करके रखा हुआ है। सबसे पहले काम करता हूँ, नीचे जो है क्यूब ले लेता हूँ, क्यूब लेंगे तभी तो इसके ऊपर अपना मॉडल चलने वाला है, वरना कहाँ चलेगा। चलो फिर मॉडल को कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, कलरिंग वगैरह दे देते हैं ताकि ये थोड़ा बेटर दिखे, वरना तो मजा बिल्कुल नहीं आने वाला है। चलो फिर कलर देते हैं अपना साइड में बॉल। तो वो टेक्सचर वगैरह कैसे देना है, ये मैंने वीडियोस पहले से अपलोड की हुई है, जिनको नहीं पता तो कमेंट करना, मैं वो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो कमेंट किया करो यार, आपका जो भी प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट किया करो। अब देखो, एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये जो ऊपर एनिमेशन वाला ऑप्शन देखने को मिलता है ना, इसी में अपनी वीडियो का जितना प्रोसेस है होता है। 3D एनिमेशन में इस एनिमेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे पहले मैं की फ्रेम देने वाला हूँ फर्स्ट पे, ठीक है। पहले लेग को मूव करना, जैसे कि देखो मैंने इस पॉइंट पे रखा है, आप किसी ऐसे बोन पे रखना जहां वो मूव करता है, जैसे कि मेरा इधर प्रॉपर मूव कर रहा है, तो मैंने इधर एक की फ्रेमिंग देना है। की फ्रेमिंग कैसे देते हैं यही कई लोगों को नहीं पता है। तो देखो मैंने क्या करना है, की फ्रेमिंग जैसे इधर दिया हूं, बट इसको आगे बढ़ा के अगर आप की फ्रेमिंग दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप वहीं से दे दोगे तो भाई बिल्कुल मजा नहीं आने वाला है, ठीक है। तो चलो फिर ये देखो मैंने अभी पीछे किया है, इस मैंने क्या किया, इधर वाला दबाने के बाद घड़ी वाला दबा दिया, फिर से मैं लेग को पीछे करता हूँ, फिर से मैं इधर से घड़ी वाला दबा दिया, अब मैं फिर से लगता हूँ ये 120 पे रखता हूँ, ठीक है। तो 120 जितना भी है, 90-20, ठीक है। तो इधर मैं रखा, फिर से मैं पीछे किया, फिर से घड़ी वाला दबा दिया। तो देखो जब भी आप की फ्रेम पे, जैसे इस पे रखा पैर आगे किया घड़ी वाला दबा दिया, फिर से आगे चलते हैं इस पे रखा पैर पीछे किया घड़ी वाला दबा दिया, मतलब कि आपको क्या करना है, जब भी की फ्रेमिंग सेट करो तो जैसी आप पीछे मूवमेंट दो तो घड़ी वाला दबा दो, ठीक है, उससे मूवमेंट सेट हो जाता है। अब हम तो भाई 300, 400, 500, 1000, 2000 तक की फ्रेमिंग तो देने वाले नहीं है, तो इसका कोई सोल्यूशन है जिसके मदद से हम एक बार में ही की फ्रेमिंग सेट कर दें, मतलब कि बोले तो कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम कई लोगों को नहीं आता है, बट मैं बताने वाला हूँ आखिर आप कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। भाई देखो, वीडियो को फुल देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि जो मेन प्रोसेस है अब स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। आधा वहां पर खत्म, आपने 25% सीख लिया, 25% और सीखो। इसमें क्या होता है देखो, जैसे कि मैंने इस पे प्रेस करके रखा, अब इसे मैं आगे करते जाता हूँ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इस तरह करते रहना, और हाँ लास्ट तक जाना जहां तक आपका की फ्रेमिंग होगा। जैसे कि मेरा 300 तक था, तो मैंने क्या किया, इसे कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद इस 300 ही पे रख के मैंने प्रेस करना है। अब देखो 300 पे रख के क्यों प्रेस करो, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट लेग था ना, पहला जो पैर था वो पीछे ही था, और लास्ट वाला पैर जो था वो आगे था, तो मुझे पीछे का पैर लाना है ना, तो इसी तरह, ठीक है। अगर आपका लास्ट वाला पैर भी आगे हो, फर्स्ट वाला पैर भी आगे हो, तो आपको क्या करना है, जैसे 300 है तो 330 पे रख के की फ्रेमिंग देना है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट लेग दिखाता हूँ, नेक्स्ट लेग पे भी हम सेम की फ्रेमिंग देने वाले हैं। देखो क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, आगे करते हैं, एक पे रखेंगे, पहले एक पे रखो, इसे एक पे रखे, आगे किए की फ्रेमिंग लगा दोगे, ठीक है, जैसे कि ये। ओके ब्रो, ऐसे ही करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी प्रोसेस है यार, कई लोगों को समझ नहीं आता है, बट मुझे पता है आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि इसमें दो ही रोल है, एक तो आप ये की फ्रेमिंग जो नीचे दिखा रहा हूं ये की फ्रेमिंग होता है, ठीक है। इस पे मैंने एक पे रखा, इसको आगे किया, घड़ी वाले पे दबा दिया, अब मैं 30 पे रखूंगा, फिर से पीछे करूंगा, फिर घड़ी वाले पे दबा दूंगा, इसी तरह करना है यार, कुछ नहीं करना। अब जैसे कि 30 पे रखा, तब 60 पे रखा, इसे आगे किया, फिर से मैं घड़ी वाले को दबा दूंगा, अब फिर से मैं क्या करूंगा, 120 पे रखूंगा, इसे पीछे करूंगा, फिर से मैं घड़ी वाले पे दबा दूंगा। ये होता है की फ्रेमिंग सेट करना, मतलब कि जब आप मूवमेंट कराओगे ना, तो मूवमेंट कराने के लिए ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर कॉपी पेस्ट करके आप 300 तक, जैसे कि 300 तक दिया है तो 600 तक दे दो, फिर 600 का 900 कर दो, फिर 900 तक इकट्ठे कॉपी करके 900 का आप 1800 कर दो, 1800 का आप 3600 कर दो, 3600 का आप कितना कर सकते हो भाई लोग, 7200,
ओके, इस तरह आप कर सकते हो, मतलब कि सोच लो कितना की फ्रेमिंग तक चला जाएगा, मूवमेंट तो आपकी अल्टीमेट होती रहेगी। चलो वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, आप लोगों को समझ तो आ ही गया आखिर हो क्या रहा है। तो हम कर रहे हैं भाई सिंपल सा कॉपी पेस्ट का प्रोसेस, ठीक है, आपको भी यही करना है, कॉपी पेस्ट हमेशा करना है यार। कॉपी पेस्ट से अपना ये हो जाता है कि टाइमिंग बच जाता है। अब वीडियो को कट मत करना क्योंकि अब होने वाला है एक और मेन प्रोसेस, ये आता है 40% पे, बिकॉज यार ये चीज काफी लोगों को नहीं समझ आती, भाई मूवमेंट तो दे दिए पर वॉल्क कहाँ करता है, क्योंकि ये तो एक ही जगह पैड को चलाता रहता है तो मूवमेंट तो हमें दिखी नहीं। तो मूवमेंट दिखाने के लिए आपको एक चीज करना होगा, वो क्या चीज है देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो आपका ड्रैगन है ना, जो भी आपका मॉडल हो, मॉडल को हमेशा आगे लेकर जाते हैं, कई लोग उसी को नहीं लेकर जाते हैं। अभी देखो मैं की फ्रेमिंग सेट कर रहा हूँ, जैसे ही मेरा की फ्रेमिंग सेट हो जाता है उसके बाद आपको दिखाता हूँ लास्ट प्रोसेस जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस तो बिल्कुल भी मत करना फ्रेंड्स, अगर मिस कर देते हो तो सोच लेना कि भाई वीडियो दोबारा देखनी पड़ जाएगी, समझ नहीं आया होगा। और हाँ यार, जिसको भी एनिमेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी, मेरे को आप इधर कमेंट करो या मेरे इंस्टाग्राम पर आके मैसेज करो, मैं उसका सोल्यूशन आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करा दूंगा, कई लोगों को प्रोवाइड किया है, आपकी भी प्रोवाइड कर दूंगा। देखो मैंने क्या किया, मॉडल को उठाया, ठीक है, एक की फ्रेम पे पहले स्टार्टिंग में दिया जहां ये खड़ा था, फिर इसको जैसे कि 600 तक था ना, 600 पे मैं ले जाके इसको आगे स्लाइड करके रख दिया, बस ये वॉल्क करने लग गया। तो भाई लोग बिल्कुल सिंपल प्रोसेस था, आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते अपनी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।